अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान। मैं अपने भाइयों और अपनी माता बहनों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और तहे दिल से सभी मेरी माता बहनों का और मेरे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माता बहनों, वशीकरण एक ऐसा शब्द है जो आपने बहुत सुना होगा और शायद आप इस सब पर भरोसा करते हो या भरोसा नहीं करते हो, पर बहुत से लोग वशीकरण को मानते हैं, वशीकरण को करते भी हैं और वशीकरण का लोगों को बेनिफिट भी मिलता है, वशीकरण में लोगों को सफलता भी मिलती है। पर बहुत से लोग वशीकरण को एक बेकार की चीज़ मानते हैं जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा उन दोस्तों और मेरी माता बहनों से सवाल है कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दुनिया में नाम हो और वो ना हो। जैसे कि मैं अपने प्यारे दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि दुनिया में पानी है तो पानी भी दुनिया में है, दुनिया में हवा नाम की चीज़ है तो हवा भी है, दुनिया में आदमी है, औरत है, हवा, पानी, जमीन, आसमान, पेड़, पशु, पक्षी सभी दुनिया में है, तो दुनिया में सभी अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वशीकरण का मतलब, जो वशीकरण का सही अर्थ है, वशीकरण कहते हैं अपने को अपने वश में करना, अपने को अपने वश में कर लेना या अपना बनाना। यानी कि एकमात्र अगर सबको देखा जाए तो इस प्रक्रिया का नाम वशीकरण है कि किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। वश में करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जैसे कि कोई हम किसी हीरोइन या कोई हीरो हम उनको भी ऊपर ये वशीकरण कर सकते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। या फिर कहिए कि चलते फिरते जो लोग होते हैं, जैसे कि कोई किसी लड़के को किसी कोई कोई लड़की पसंद आ गई और वो उसका वशीकरण करना चाहता है तो वो वशीकरण नहीं होता, वो आदमी का गलत तरीका है और वो गलत तरीके से वशीकरण कभी भी सफलता नहीं मिलेगी उसको। क्योंकि वशीकरण का जो तरीका होता है वो अपने को अपना बनाना, यानी कि किसी को किसी अपने को रूठ जाना, वो इस वशीकरण को कर सकता है। किसी को प्यार में इस चीज को प्यार में जो रूठ जाना कहते हैं, वो उससे रूठ गया है, उसको मनाने के लिए भी बहुत अच्छा वशीकरण का रिजल्ट लोगों के सामने आया है। या एक पति पत्नी का जो एक पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी से रूठ गया है, उसको मनाने के लिए पत्नी अपने पति के लिए ये उपाय कर सकती है, या पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए ये उपाय कर सकता है। या यूं कहिए कि एक जो सच्चा प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए कर सकता है। पर ध्यान रखिए, ये वशीकरण तब काम करता है जब एक दूसरे के दिल में प्यार हो, जब एक दूसरे के दिल आपस में एक दूसरे के लिए प्यार करते हों, एक दूसरे के लिए अटैच हो, तब वशीकरण की विधि लोगों के लिए काम करती है। पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरे के बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है या मेरा काम हो नहीं रहा है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी सच्चे दिल से आप इस उपाय को करोगे और आपका तरीका बिल्कुल सही है तो ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, इस विधि से आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर उस चीज़ में के अंदर कोई आपका गलत मकसद ना हो, आपका गलत मकसद है तो आपका वशीकरण कदापि नहीं होगा। भूल जाइए कि आप वशीकरण करने में कामयाब होगे, क्योंकि
क्योंकि गलत तरीका किसी का भी इसमें सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी गलत तरीके में सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ सच्चाई के लिए वशीकरण का कामयाब उपाय जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो मैं अपने माता बहनों से, अपने भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आपके सामने ये नुस्खे टोटके लेकर आता रहता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और विधि को मैं बताने से पहले अपने भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माता बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, इतना प्यार देने के लिए। और इसी के साथ देर ना करते हुए मैं बताने जा रहा हूँ आपको वशीकरण का एक सरल और आसान तरीका, जो आप अपने घर पर बैठकर बिना सामान के कर सकते हैं। देखते रहिए वशीकरण मंत्र। मैं अपने भाइयों से, अपनी माता बहनों से गुजारिश करूँगा कि इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी इसका सफलता नहीं मिलेगी। गलत इस्तेमाल के अंदर अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका मकसद सही है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरी आपसे गारंटी है, इस उपाय को करते ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर इस विधि को करते ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस के साथ में आपको गारंटी दे सकता हूँ। पर आपका जो तरीका है वो बहुत सही होना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने लाइव इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अच्छे से देखिए, देखिए आपको करना क्या है। ये आपके सामने ये लड़की है, ये लड़का है। आपको मान लो, आपको आपको वशीकरण करना है कि आप लड़की हो, आपको वशीकरण करना है किसी लड़के का जिससे आप प्यार करते हो सच्चे दिल से, जो आप भी आपसे भी वो प्यार करता है, पर आपसे वो रूठ गया है, कुछ ऐसी बात हो गई है जिसके कारण वो आपसे बातचीत करनी बंद कर दिए, कुछ परेशानी के कारण ऐसा हो गया है कि आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे उसका वशीकरण करने के लिए, आपको अगर आपको लड़की का करना है तो ये आपको ऐसी चीज बनानी है, बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामने लाइव में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमें किसी लड़के का वशीकरण करना है। अगर लड़के का करना है तो ये लड़का बनाना है ऐसा जैसे आपको दिख रहा है इसमें, और अगर आपको लड़की का वशीकरण करना है तो ये लड़की आपको इस तरीके से इस पे बनानी है। लड़की जो आपको लड़की का करना है तो लाल स्केच से ही इस चीज़ को आपको बनानी है, और अगर आपको इस लड़के का वशीकरण करना है तो लड़के को काली स्केच से ही ये ड्राइंग आपको बनानी है। तो आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमको जो करना है वो मानो कोई लड़की, हम किसी लड़के का वशीकरण कर रही है, तो वो लड़का आपको बनाना है। उसके पीछे आपको जैसे कि उस लड़के का नाम लिखना है राहुल, प्लस का साइन लगाना है, उसकी माताजी का नाम लिखना है आपको। उसकी माताजी का नाम लिख करके आपको ये आप लड़की जो लड़की वाला उपाय मैं बता रहा हूँ, लड़की किसी अगर लड़के को वश में करना चाहती है तो ये उसके लिए है। तो ये आपको ये जो दिख रहा है आपको ये सिंदूर है, तो आपकी जो कन की उंगली होती है, करना क्या है, उंगली को लेकर के ये आपको लेना है सिंदूर से, और यहाँ पर अपने बीच में सिंदूर की जो उंगली होती है इसको आपको लगा देना है, जो सिंदूर होता है वो उंगली से ऐसे लगाते ना तिलक, तो वो तिलक आपको लगा देना है। ऐसे लगा करके फिर आपको लिखना है लड़की का नाम सीता। तो आपको जैसे कि आप जिसका वशीकरण करना चाहती है उसका नाम राहुल है, प्लस का साइन लगा के उसकी माताजी का नाम राहुल की, फिर जो चंद ये जो मैंने आपको देखा है सिंदूर, सिंदूर से आपको तिलक लगाना है। उसके बाद जैसे कि जो जिसका वशीकरण कर रहा है, लड़की का नाम जैसे सीता है, जो जिसको वशीकरण कर रहा है मतलब जो वशीकरण कर रहा है उसका नाम है, तो लड़की का नाम सीता, सीता की माताजी का नाम। तो ये हमने लिख लिया माता जी का नाम, ये मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ नाम,
जैसे कि मैंने सीता लिख दिया उसकी माता जी का नाम, वो जो आपका माता जी का नाम होगा वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। तो आपको करना क्या है, इसको आपको बना करके, ये काली पे एक पेचक होती है जो काला धागा होता है, तो काले धागे के अंदर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो आपको जो उसको फोल्ड करके, ये जो मैंने बताई थी आपको, ये पेचक होती है जो हम जिसको हम बोलते हैं काला धागा होता है ना, काले धागा जो रील होती है जो धागा होता है, तो इसको चारों तरफ देखो जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा है कि इसको चारों तरफ से मैंने फोल्ड कर रखा है, बांध रखा है। तो ऐसा बांध करके आपको क्या करना है, उसको जब तक वो आपको लगना जाए कि हाँ ये मेरे वश में हो गया है, इस तावीज को इसको अपने पास ही रखना है, जब तक आपको ना लगे कि ये आपके वशीक में, या लड़के जिसको आप वशीकरण कर रहे हो वो आपके वशीकरण हो गया है, तब तक आपको इसको अपने पास ही रखना है। जब आपको ये लगे कि हाँ इसका मेरे वश में अब ये हो गया है, अब ये मेरा कहना मानता है, तो आपको क्या करना है, इसको चलते हुए पानी में फेंक देना है, चलता हुआ पानी में फेंक देना है इसको, ये करना है आपको। ये छोटी सी विधि आपके सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर आपको बेनिफिट दिखाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा वादा है। और दोस्तों आपको अगर किसी लड़की का वशीकरण करना है या औरत का करना है, अगर आदमी का करना है जो मैंने लड़का बताया, या लड़के का करना है जो, ये आदमी का करना है जो मैंने आपको बताया कि लड़के वाला, ये जो मैंने फोटो आपको बताया ड्राइंग लेकर के वो करना है, अगर लड़की का करना है तो आपको, तो ये लड़की के पीछे जो मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ आपको करनी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।